9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। देश ही नहीं विश्व भर में इस दिन कई जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राजधानी रांची में भी आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है। 2 दिन का ये कार्यक्रम है, बहुत ही भव्य आयोजन है। पूरे देश के करीब 14 राज्यों के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार कई कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लिटरेचर कार्यक्रम, फिल्म के कार्यक्रम। लेकिन इसी बीच एक सवाल जो हर साल निकल कर सामने आता है, इस साल भी निकल कर सामने आया है कि आखिर आदिवासी दिवस जब इतनी भव्यता से देश भर में मनाया जाता है तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसकी शुभकामनाएं क्यों नहीं देते हैं। झारखंड में मंत्री हैं चंपई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीत कर ये आते हैं। इन्होंने कल ट्वीट किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज विश्व आदिवासी दिवस है लेकिन आपने दुनिया भर में फैले हमारे समाज को शुभकामनाएं देना जरूरी नहीं समझा। चुनाव के समय तो आप आदिवासियों का गुणगान करते नहीं थकते लेकिन उसके बाद आपको न आदिवासी याद आते हैं, न ही हमारे पर्व त्यौहार, न ही हमारे महापुरुष। इसी मसले पर बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आदिवासी दिवस की शुभकामनाएँ क्यों नहीं देते। जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है तो कहा जाता है एक आदिवासी को जो है राष्ट्रपति बनाया गया है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ अश्वनी कुमार पंकज हैं, जो आदिवासी चिंतक हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं और बहुत सी सी चीज़ें जो है इन्होंने शोध करके किताबों में लिखी है। कई किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी है और इसी महोत्सव में ये अभी हम मिले हैं हमें। सर पहले तो बहुत जोहार आपको। तो क्या आप लिटरेचर के कार्यक्रम में शामिल होने आए? हाँ, मैं लोगों को सुनने आया हूँ क्योंकि हमारे आदिवासी परिवार के लोग विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हैं तो अपने परिवार लोगों को सुनना चाहिए, तो इसीलिए मैं सुनने के लिए आया हूँ। कि प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति दोनों आदिवासी दिवस के दिन शुभकामनाएं क्यों नहीं देते? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली ये माना जाता है कि भारत में आदिवासी नहीं है। आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है और हिंदी में जनजातीय शब्द कहा जाता है। ये दोनों जो हैं आदिवासी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, है ना, और इसीलिए संविधान से आदिवासी शब्द हटा दिया गया। और जो संविधान हमने अडॉप्ट किया है उसमें भारत के आदिवासी लोग, मूलवासी लोग, शेड्यूल ट्राइब या जनजातीय हैं, है ना। इंग्लिश में तो इसे इंडिजिनस डे के रूप में मनाया, लेकिन भारत सरकार ने इंडिजिनस नहीं माना है ना। भारत ये इंडिजिनस जो माना है वो यूएनओ की जो ट्राइबल मुद्दे पे जो बनी परमानेंट फोरम है, हाँ, उसने माना है इंडिजिनस और उसी ने वर्ल्ड इंडिजिनस लोगों के लिए तमाम राष्ट्रों से अपील की है, उसका घोषणा पत्र जारी किया है वगैरह वगैरह, है ना, जिसमें दुनिया भर में राष्ट्रों से यूनेस्को की अपील है कि वो अपने यहाँ के आदिवासी जो मूलवासी हैं, वहाँ के प्रथम बाशिंदे हैं, प्रथम नागरिक हैं, उनके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए वो टर्म है अंग्रेजी में इंडिजिनस। इंडिजिनस का अर्थ होता है स्वदेशी। स्वदेशी मान लीजिए आपके रांची में कोई टोकरी बना रहा है तो वो स्वदेशी प्रोडक्ट है क्योंकि वो यहाँ के ज्ञान से, यहाँ के संसाधनों से बन रहा है, वो इंडिजिनस है। तो अब आप समझ लीजिए, है ना, कि भारत में इंडिजिनस का क्या अर्थ हो जाता है। मतलब यहाँ जो भी है वो इंडिजिनस है। इसी आधार में 60 के आसपास यूएनओ में जो भारतीय राजनयिक थे, मुझे अभी उनका याद नहीं है नाम, जयंत सिन्हा या ऐसा कुछ नाम था, या हजारीबाग वाले नहीं, है ना, ठीक है, वो यूएनओ में प्रतिनिधि थे भारत सरकार के, तो उन्होंने इनकार किया था कि हमारे यहाँ कोई जनजाति नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, भारत के सभी लोग इंडिजिनस हैं। तो इस आधार पे आप देखिएगा कि भारत में पहले, अभी तो थोड़ा बहुत मान लीजिए आदिवासी गौरव बोल के पिछले साल हमारी नई केंद्रीय सरकार ने मनाया बड़ा धूमधाम से पर्व, है ना, बिरसा मुंडा के नाम पे, तब वो तो आदिवासी बोलेंगे। एमपी में भाजपा ही गवर्नमेंट आदिवासी दिवस मना रही है, है ना, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कई जगहों पे वो आदिवासी दिवस मना रहे हैं सरकारी तौर पे, है ना, लेकिन वो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदिवासी शब्द भूल से भी नहीं बोलते हैं। तो इसे क्या टेक्निकली आप सही मानते हैं? टेक्निकली चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है कि यहाँ आदिवासी ही नहीं है, है ना, तो टेक्निकली सही है ये, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिकल या जो हिस्टोरिकल जो वैल्यूज़ हैं, जो फैक्ट है, वो तो दुनिया भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि भारत के आदिवासी आदिवासी हैं,
है ना, जैसे दूसरे देशों के और लोग हैं आदिवासी हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के आदिवासी अभी यूएनओ के भी इस टर्म का विरोध कर रहे हैं। फिर आदिवासी का सही परिभाषा क्या है? आदिवासी का सही परिभाषा ये है कि जो उस धरती पे पहले जन्मा, जो पहले वहाँ पे चला, जो जिसने वहाँ को ह्यूमन और अलग जीव जंतुओं को रहने लायक जगह बनाई, वो है पहला बासिंदा। बाद बाकी तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जिसने जिसके नन्हे पांव छोटे पांव पहली बार इस धरती को चूमे, वही है पहला वासी। आदिवासी का अर्थ वही है। ऐसा झारखंड में या फिर देश में कोई नहीं है सरकार के हिसाब से? देश में एक तरफ सरकार का एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने कई वॉल्यूम में भारत के नागरिक समाजों का एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि 700 से कुछ ज़्यादा लोग आदिवासी हैं, इस कैटेगरी इस परिभाषा में आते हैं। 700 से ज़्यादा, मोर देन 700 कम्युनिटीज़। हाँ, लाइक मुंडा, संथाल, गोंड, नागा, मिजो, है ना या चेंचू साउथ के, एराकुला, है ना। तो इस तरीके से 700 ज़्यादा आदिवासी समुदाय हैं जो आदिवासियों की मूल परिभाषा पे आते हैं, लेकिन उनको भी, उनको इन 700 लोगों को भारत सरकार ना इंडिजिनस बोलती है, ना आदिवासी बोलती है, शेड्यूल ट्राइब और जनजाति बोलती है। क्या लगता है कि इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है या फिर ठीक है? बिल्कुल, इसके लिए पूरे देश के आदिवासी मांग कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी शब्द जो हटा दिया गया है ना, जो एडॉप्ट किया 51 में कॉन्स्टिट्यूशन, और अंग्रेजों के टाइम में आदिवासी शब्द ही चल रहा था हिंदी में, अंग्रेजी में एबोरिजिनल चल रहा था, ट्राइबल चल रहा था, नेटिव चल रहा था, हैं, और हिंदी अनुवाद चल रहा था आदिवासी, तो उसको फिर से लागू किया जाए, हाँ, क्योंकि इसकी वजह से देश के करोड़ों आदिवासियों का जीवन आदिवासी होने से जो उनको लाभ मिलेगा संवैधानिक, है ना, वो नहीं मिल पा रहा है। जरूरी है। हाँ, और हम मतलब इसके लिए झारखंड को बधाई देना चाहिए भारत के लोगों को। यहाँ पर आयोजन नहीं, मैं आपको ये इस फैक्ट की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि भारत में झारखंड पहला स्टेट है जिसने आदिवासी शब्द का यूज सरकारी तौर पे करती है और सरकारी तौर पे आदिवासी दिवस मनाती है। इससे पहले, 2 साल से पहले कभी नहीं मनाया? नहीं, ये झारखंड में ही शुरू हुआ। हेमंत सोरेन की पहली गवर्नमेंट ने ही आदिवासी दिवस मनाया था, उसके पहले की सरकार आदिवासी दिवस नहीं मनाती थी झारखंड में भी। तो भारत में सिर्फ झारखंड एक ऐसा राज्य है जो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस जिसने मनाने की शुरुआत की, और इसके लिए जो ये वही सरकार है जो उस समय थी, तो इसके लिए झारखंड की सरकार को हम लोग शुक्रिया बोलते हैं। कैसा लगा आपको ये आयोजन? बहुत अच्छा है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का इस पूरे मेले में नहीं होना बहुत खटकता है, जिसकी वजह से झारखंड बना है। जयपाल सिंह मुंडा की कहीं प्रतिमा भी नहीं है? कहीं कुछ नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा की ऐसी घोर उपेक्षा है, ये हम लोग उस सरकार से उम्मीद नहीं करते हैं जो झारखंडियों की सरकार है, क्योंकि अगर झारखंड है तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो जयपाल सिंह मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का है। उनको नहीं याद करने से ये जितना बढ़िया आयोजन है सब जीरो हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। सुनने हो सकता है कि आज़ादी से पहले के लोगों की आप अपने उस इंसेस्टर को कैसे भूल जाएंगे जिसकी बदौलत आप जिंदा हैं। जतरा टाना भगत 40-50 तक के लोग हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा तो उसके पहले हैं। हाँ, और वो छोड़ दीजिए, अगर उनसे दिक्कत है तो भारत झारखंड ही नहीं, भारत के पहले जो चुने हुए जनप्रतिनिधि दुलू मान की, उनके बारे में एक पंक्ति कहीं नहीं है। 1921 में मैदानी भारत से जीत के जाने वाले भारत के एकमात्र MLC थे दुलू मान की। 1921 में उसकी कहीं कोई प्रतिमा नहीं है। तो मैं हेमंत सरकार को आपके इस चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ, हेमंत सोरेन जी को और उनके सलाहकारों को खास करके, कि वो अगर दुलू मान की को इग्नोर करते हैं जिन्होंने इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम में
आदिवासी हस्तक्षेप किया और कंट्रीब्यूट किया, उस दुलू मानकी का नहीं होना और जयपाल सिंह मुंडा का नहीं होना, ये एक बड़ा सवाल है और झारखंड के करोड़ों आदिवासी सदान लोगों को आहत करने वाला है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in